बीजेपी 2022 के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता काम में जुटे हैं। बूथ स्तर तक रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सपा के तमाम गढ़ों को इस चुनाव में ध्वस्त कर देना चाहती है। देखिए बीजेपी की क्या है रणनीति। सपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी, सपा की कमजोर पड़ती सियासत। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनावों को बहुत अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी जीत का झंडा बुलंद कर दिया। इटावा में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। बड़पुरा में टाई रहने के बाद बीजेपी की जीत हुई। फिरोजाबाद में सपा का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं मुलायम की मैनपुरी में भी बीजेपी का भगवा लहराया। बदलते वक्त के साथ जब राजनीति की हवा ने रुख बदला तो मैनपुरी के मंझे हुए मतदाताओं ने सपा के किले में बीजेपी का फूल भी खिला डाला। मैनपुरी के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी व बीजेपी दोनों को बता समझा दिया कि राजनीति ही वो अखाड़ा है जिसमें अच्छे से अच्छे मंझे हुए नेता को भी दाव पे चलने खेलने की अकल मतदाता ही दे सकता है। लिहाजा जो समाजवादी पार्टी मैनपुरी की राजनीति को अपना पुश्तैनी हक और सीट समझती थी, वहाँ बीजेपी की दस्तक से खतरा भी सपा को ही पैदा हुआ है, न कि बीजेपी या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल को। मैनपुरी, सेपई, एटा, इटावा इलाके में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के परिणामों में सपा के तमाम नाराज अपनों ने ही बीजेपी की नैया पार लगवा दी। अब आगे 2022 की तैयारी है और बीजेपी ने इसके लिए रणनीति बना ली है। देखिए मूल बात यह है कि ये राजनीतिज्ञों को ये समझना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र अगर आप काम करेंगे तभी आपको जिताएगा। बाप की बपौती समझ के जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पे अपनी बपौती मान लिया था, उस गढ़ को लगभग हमने तोड़ने का प्रयास किया है और ये आज की बात नहीं है। निश्चित तौर पे हम अपने काम के बल पे इन सारे गढ़ों को निश्चित तोड़ेंगे, अब ये नहीं चलने देंगे। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को बीजेपी की तरफ से झटका मिला है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की भी बीजेपी से बढ़ती नजदीकी सतह पर है। वह कई मौकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं और सरकार की तारीफ भी की। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि वो लखनऊ से बीजेपी का टिकट चाहती हैं। परिवार के अंदरूनी समीकरणों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ अपर्णा और उनके पति प्रतीक यादव के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त शिवपाल यादव ने भी समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और उनके लिए भी कहा गया था कि बीजेपी उनकी मददगार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितने भी मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख ले, कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही उखाड़ के फेंक देना। मौसम चुनाव का है और सभी दल सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेलने में लगे हैं। यादव सपा के कोर माने जाते हैं और बीजेपी की पूरी कोशिश इस वोट बैंक को सपा से तोड़कर अपने पाले में लाने की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सपा को हरा के ही सत्ता हासिल की थी। अब ये एक नए संग्राम की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस सीट पर बहुत मेहनत कर रही है जहाँ पे पिछले चुनाव में वो हार गई थी। यह लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट खराब रहा है। उसमें से इटावा, मैनपुरी और ये जो इलाके हैं जहाँ पे सपा का गढ़ जिसे कहा जाता है, उस इलाके में भी भाजपा पूरी मजबूती से काम कर रही। परिवार में बिखराव का नुकसान तो होता ही है, ये नुकसान मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए भी संभावित है। मुलायम भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, इसीलिए उनके लगातार कोशिश चल रही है कि कम से कम शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ जाएं। लेकिन बीजेपी की रणनीति ने मुलायम परिवार की कमजोर होती सियासी ताकत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।